अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी अपनी डॉक्टर ज़फ़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा टोनर लेकर आई हूँ। एंटी एजिंग है, स्किन को टाइट फर्म करता है, ग्लोइंग बनाता है स्किन को, बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन मैं आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले ज़रा मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलें जी शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए कोकोनट वाटर से टोनर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। कोकोनट वाटर आपको पता है कितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा कोकोनट वाटर से फ़ायदे होते हैं पीने के लिए। और ये देखिए, मैंने आज सुबह ही अभी कुछ देर पहले ही कोकोनट मंगवाया और उसमें से मैंने ये वाटर निकलवाया है। ये देखिए, ये वाटर है कोकोनट वाटर, इसका टोनर मैं आपको बताऊंगी। कोकोनट वाटर में आपको पता है कि कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फेट, मैग्नीशियम और बहुत से मिनरल्स, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी सीरीज़ के काफ़ी सारे जो है विटामिन ए, B1, B2, B6 इसमें होते हैं, और विटामिन सी भी है इसमें। बेतहाशा मिनरल्स हैं, बहुत मिनरल्स हैं, जिंक है, फास्फेट है, यानी आप यूँ कहें कि विटामिन्स और मिनरल्स का ख़जाना है कोकोनट। और आप सोचें कि जब आप कोकोनट वाटर का टोनर अपने फेस पे लगाएंगे, इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। आप इसके वाटर को फेस पर लगाएंगे, इसके टोनर को, तो आपकी स्किन जो है वो लिफ्ट होगी, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा ये टोनर। मैं आज आपको बताती हूँ इसके टोनर, ये कोकोनट वाटर से टोनर बनाने की तरकीब आपको बताती हूँ। आप नोट कीजिए ज़रा, कोकोनट वाटर आप लें, इतना कोकोनट वाटर यानी 2-3 घूंट जिसको कहते हैं, वो आप कोकोनट वाटर ले लें। उसके अलावा इसमें आप रोज़ वाटर डालें, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आगे सीज़न जो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, तो सर्दी में आपके स्किन के लिए इससे बेहतरीन कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी कोई चीज़ आपके लिए हो ही नहीं सकती है। ये इसमें जितना आपने कोकोनट वाटर लिया है उतना ही आप इसमें रोज़ वाटर डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये देखें, रोज़ वाटर आपने इसमें ऐड कर दिया। अब ये देखें, हमारे पास ये इतना है। इसके बाद इसमें हमने डालना है हनी, डाल दें। अगर आपके पास ग्लिसरीन है आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं, हनी बहुत बेहतरीन है इसके लिए, आप हनी यूज़ करें। ये देखें, इसमें आप हनी डालें, ये डाल दिया इसमें हमने, और इसको रख दें। कोकोनट वाटर उसमें उतना ही हम वज़न, हम बराबर यानी बराबर मकदार में, अगर आपने 3 स्पून कोकोनट वाटर लिया है तो 3 स्पून ही आप इसमें रोज़ वाटर डालेंगे, फिर 1 स्पून आप इसमें हनी ऐड करेंगे। ये देखें, हनी इसमें हमने शामिल कर दिया है, मिक्स हो गया है। इसके बाद आप इसमें डालें लेमन। लेमन आपको पता है हमारी स्किन के लिए कितना बेहतरीन है, हमारी स्किन को वाइट करता है, विटामिन सी का ख़जाना है, तो इसमें आप लेमन ऐड करें, हाफ लेमन काफ़ी होगा। विटामिन सी से भरपूर ये लेमन, विटामिन सी कोकोनट वाटर में भी है, कोकोनट में भी विटामिन सी होता है, और हनी जो है वो आपको पता है हमारी स्किन की मॉइस्चराइजिंग के लिए कितना बेहतरीन है। तो ये देखें, ये हमारा टोनर तैयार हो गया। अब इसमें क्या क्या डला है आपने देखा होगा, कोकोनट वाटर है, रोज़ वाटर है, हनी है, एंड लेमन। लेमन का आप हाफ लेमन इसमें निचोड़ दें। ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स से ये टोनर बन गया है हमारा। इसको आप सर्दियों में इस्तेमाल करें, आपकी स्किन को इतना बेहतरीन बनाएगा, इतना अच्छा आपकी स्किन के ऊपर एक जो है वो ग्लो लेकर आएगा, एंटी एजिंग। आप फेस वॉश से मुंह हाथ धो लें, सुबह उठकर मुंह हाथ धोएं, और इसको फिर अपनी स्किन पर स्प्रे करें, स्प्रे करके स्किन पर आप इसको अच्छे से रख लें।
बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए है, बहुत बेहतरीन आपकी स्किन को ग्लो देगा, शाइन देगा और एकदम से बहुत अच्छा सा आपकी स्किन के ऊपर लुक आएगा। इस ये मिनरल्स और वाइटमिन से भरपूर है, आपकी स्किन के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट लेकर आएगा। ये देखिए, ये अब आपने स्प्रेयर है मेरे पास, ये मैंने उसमें डाल लिया है। फेस को वॉश करें अच्छे से, फेस वॉश से मुंह धोएं, उसके बाद टॉवल से हल्का हल्का खुश करें और फिर बस कुछ नहीं, इसको इस तरीके से ऐसे आप स्प्रे कर दें। ऐसे आपने इसको स्प्रे करके और फिर हाथ से हल्का मसाज करके छोड़ देना है, ये खुद ही ड्राई हो जाएगा। इसको आप छोड़ दें और फिर लगा रहने दें सारे दिन के लिए, जब तक कि आपने दूसरी बार फेस वॉश नहीं करना। इसको छोड़ दें, लगा रहने दें। मिनरल्स और वाइटमिन से भरपूर, इतना अच्छा आपकी स्किन पर इफ़ेक्ट लेकर आएगा, सर्दियों में बेतहाशा आपकी स्किन को सिक्योर रखेगा। स्किन जैसे सर्दियों में फटने लग जाती है, होंठ फटने लग जाते हैं, तो बिल्कुल भी ये नहीं ऐसा। इसमें हनी है और रोज़ वाटर है, लेमन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को सिक्योर करेंगी। और कोकोनट वाटर, इसमें तो मिनरल्स और विटामिंस इतने बेतहाशा हैं, आपकी स्किन को रिहाइड्रेट करेगा। अगर आपकी स्किन हाइड्रेट है, आपकी स्किन को रिहाइड्रेट करेगा, उसको मतलब के एकदम से फ्रेश फ्रेश और ताज़ा ताज़ा सा ग्लो देगा। आपकी स्किन बिल्कुल बहुत अच्छी, एकदम महकती हुई तरोताज़ा नज़र आएगी। मिनरल्स हैं इसमें, आपकी स्किन में किसी चीज़ की कमी हो गई है, स्किन ड्राई है, सर्दियों में अमूमन स्किन ड्राई हो जाती है, आपको पता है, स्किन को ड्राई नहीं रहने देगा, मॉइस्चराइज रखेगा और एक बहुत अच्छा इफेक्ट आपकी स्किन को देगा। सर्दियों के लिए बेहतरीन टोनर है, बहुत अच्छी एंटी एजिंग है, आपकी स्किन को टाइट करेगा, फर्म करेगा। आप इसको यूज़ करें, लाजमी आप इसको सर्दियों में बनाएं और इसको रेफ्रिजरेटर में रख लें, अपने फ्रिज में आप इसको रखें और डेली दिन में दो बार मुँह हाथ आप धोते हैं, उसके बाद आप इसको स्प्रे करें और छोड़ दें। रात में भी अगर आप अपने बेड पर जा रहे हैं, आप मुँह धोएं, इसको स्प्रे करें और सोने के लिए चले जाएं। सुबह को जब आप उठेंगे, अपने मुंह को वॉश करेंगे, फेस वॉश करेंगे, आपको बहुत अच्छी अपनी स्किन लगेगी, बहुत अच्छी सी मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन, लिफ्ट लिफ्ट फर्म स्किन और बिल्कुल लाइटन एंड टाइटन स्किन आपकी लगेगी। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स हैं इसके, बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, इसको यूज़ करें और इसके जो हैं बेनिफिट्स उससे फ़ायदा उठाएं। इसके जो फ़ायदे हैं इतने ज़्यादा, इसके जो बेनिफिट्स हैं उनसे आप जो है वो फ़ायदा उठाएं और अपनी स्किन को बहुत खूबसूरत ग्लोइंग बनाएं। कोकोनट वाटर बहुत मुफ़ीद है, बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए। आप इसको डेली पिएं तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। वैसे भी कोकोनट, आप वैसे कच्चा कोकोनट है आप खाएं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा, विटामिंस मिनरल्स का ख़जाना है कोकोनट। इसको आप इस्तेमाल करें, इस टोनर को सर्दियों सर्दियों में आप ये टोनर बना कर रखें, ये आपका 10 दिन 15 दिन चल जाएगा, इस्तेमाल करें। उसको बाद दोबारा आप कोकोनट वाटर लें, उसमें रोज़ वाटर डालें, हनी एंड लेमन ऐड करें, हनी की जगह पे आप ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं, ऐड करें, इसको बनाएं और फिर स्प्रेयर अपना भर के रख लें और फिर इसको आप उसी तरीके से यूज़ करें। बहुत अच्छे फ़ायदे आपको इसके मिलेंगे, बहुत बेहतरीन टोनर है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने ये बना के रख लिया है, मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरी बेटी भी इसको इस्तेमाल करती है, आप भी इस्तेमाल कीजिए अगर आपको अपनी स्किन से प्यार है तो। चलिए जी, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।